कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरि वादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं रुद्रघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज 27/7/2023 की क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये संभाषा हमारी निरंतर चलती आ रही है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इसकी निरंतरता को बनाने के लिए आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी संभाषा का स्तर बहुत ही अच्छा है, ये इसके व्यूज से हमें पता चलता है। जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे जुड़ते हैं बाद में और जो बाद में इसको फेसबुक पे भी देखते हैं, रिकॉर्ड्स पे भी देखते हैं, वहां पे सभी के कमेंट्स हमें मिलते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। मैडम अंजना मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आप सबको। तो चलिए, आप सभी वैद्य और वैद्यगण यहाँ आ गए हैं तो मैं आप में से सभी को कुछ को होस्ट बना देता हूँ, कुछ को होस्ट बना देता हूँ। मैडम अंजना जी आई हैं यहाँ पे, तो निश्चित है कि हमारे स्त्री वैद्यों के लिए बड़ा अच्छा ये है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, शंका हो, तो मैडम से आप पूछिए। मैंने मैडम को होस्ट बना दिया। शशि तिवारी जी, आप इस सेशन की होस्ट हैं। आप 9:30 बजे संभाषा को बंद कर दीजिएगा। थैंक यू। आवाज मेरी आ रही है आपको मैडम अंजना और मैडम शशि जी? जी अनम्यूट कर पा रहे थे आप? सर, आ रही सर। नमस्कार सर। नमस्कार, ठीक है। तो नमस्कार मैम, प्रणाम मैम। यहीं पर हम विराम देते हुए आपको संभाषा आपको हवाले करते हैं। धन्यवाद अंजना मैम, प्रणाम। कुछ बताएं मैम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अच्छे से बात करते हैं। कोई पढ़ाई की बात करी जाती है जी मैम, क्योंकि पेशेंट है तो पेशेंट का कुछ डिस्कशन हो जाए और कुछ लोगों को कुछ पूछना, क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। और जनरली इस समय जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो पेशेंट लेके आते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु किसी को कुछ पूछना हो तो मैम से पूछ लो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। मुझे लगता है अभी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, तब तक मैम आप कुछ बताइए प्लीज। हाँ। गायनी का ही। हाँ, मैं यही बता रही थी कि वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में इस समय जो कॉमन पेशेंट आते हैं, क्लेनता बढ़ रही है, अम्लता बढ़ रही है,
तो वहाँ अभी इस समय जो पेशेंट आते हैं वो जनरली जो है वो कफ के जो है दूषित गुण होने के कारण जो है कलेजा वाले पेशेंट बहुत आते हैं। जैसे कि अगर हम गायनी से देखते हैं तो जो हमारे यहाँ वेजिनाइटिस स्पेशली बल्बो वेजिनाइटिस या जो हम योनि व्यापक बोलेंगे तो कफ योनि व्यापक के पेशेंट इस समय बहुत ज़्यादा अचानक इंक्रीज कर जाते हैं। और अगर उनकी दिनचर्या पर भी हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो उसमें भी इसका जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हमें क्या चिकित्सा करनी है, क्योंकि पेशेंट की जो मेन कंप्लेन होती है वो ये होती है कि ईचिंग स्पेशली इन द लोअर जेनेटिक ऑर्गन्स बल्बा रीजन वगैरह, और ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि समटाइम्स पेशेंट ईचिंग करके आता है तो वहाँ स्वेलिंग भी होती है। और वैसे भी हमारे स्वेलिंग हमको मिलती है, रेडनेस मिलती ही है। तो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो अगर हम पेशेंट की प्रकृति के आधार पर तो देखेंगे ही, और जैसे हम लोग सिंपल ग्रहण पर कार्य करते हैं वो सब हमें स्थानीय चिकित्सा के साथ साथ ही करना होगा, क्योंकि पेशेंट को बहुत रिलैक्स करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेशेंट का योनि प्रक्षालन, और योनि प्रक्षालन तो हम उसकी प्रकृति के आधार पर ही करते हैं, जैसे पदोशिंगुपात या फिर दशमुलपात या फिर निम्बादिकवात या फिर पटोलादिकवात, इस तरह से अकॉर्डिंगली हम को देख सकते हैं। वरना कुछ नहीं मिलता है तो फिर दोष मान के, क्योंकि कोई भी एक व्याधि जो होती है किसी भी एक दोष के कारण नहीं होती है। कफ की कफ को फिर हुआ है लेकिन वो बिना कोई भी उन्हें व्यापक बिना वाक्य नहीं हो सकता, इसलिए वायु के वायु का भी वहाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही, और अपान वायु को पूरा छूट रहे। और पित्त का तो मेन है ही, क्योंकि अगर आग भी दुष्ट नहीं होगी तो ना वायु जो है वो कपित नहीं होगी, इसीलिए आवरण कफ आवरण बनता है कफ का, और फिर दुष्ट वायु को प्रकोपित करता है, और इस तरह से ये योनि व्यापक उत्पन्न होता है। तो यहाँ जनरली स्थानीय चिकित्सा में सबसे अच्छा जो मैंने भी बताया 3-4 क्वाथ, चाहे वो दशमी क्वाथ हो, चाहे पटोलादि क्वाथ हो, या फिर हम इसके साथ में बताया थे वरुण शिविर क्वाथ हो, ये खाली वरुण मिल जाए या खाली शिविर भी मिल जाए। अब गहन से भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, अब गहन से जो होता है वो बहुत जो है हेल्पफुल है पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारे एक आयुर्वेदिक बहुत स्पेसिफिक विधा है। और योनि प्रक्षालन हम इसलिए बताते हैं कि पेशेंट जिस कंडीशन में हमारे पास आता है तो डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए उसको हम मेडिकेटेड जो हमारे पास जैसे कहते हैं मेडिकेटेड क्वाथ ही हो कहेंगे या मेडिकेटेड वाटर को हम इसको अच्छे से वाश करते हैं, और उसके पश्चात इसका लेपन और धूपन, ये चिकित्सा हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से आई है। तो धूपन से पहले उन्होंने यही बताया है कि अगर आप इसको वाश करके थोड़ा ड्राई करके फिर धूपन क्रिया करें। धूपन क्रिया के लिए ही साफ जैसे कॉमनली इस पर कुछ रिसर्च वर्क भी हम लोगों ने प्लान किया है, तो उसमें जैसे कमोड वाली जो टेबल आती है उसको उस पर पेशेंट को बैठाते हैं, और उसके नीचे जो है हम तख्त जो हमारे पास कोयले होते हैं उसको रखना, या फिर गो जो हमारे गाय के जो गोबर के बने कंडे होते हैं उसको रखना, उसमें जो से कहते हैं मेडिसिन कई तरह के मेडिसिन उसमें बताई गई है। ऐसे कुछ नहीं, हमारे पास निमारी फूल है, गूगल है, आलू है, कॉमन डस्ट का भी धूपन दिया जा सकता है। धूपन यंत्र भी बहुत अच्छे से आता है, अगर धूपन यंत्र आप देखेंगे तो धूपन यंत्र भी जो है समय अवेलेबल है और धूपन यंत्र से भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कई विधियाँ हैं जिस हिसाब से हम लोग योनि धूपन करने के पश्चात उसका योनि लेपन किया जाता है। कल्प बताए गए हैं कुछ मेडिसिन के, जैसे हम नीम का कल्प दे सकते हैं, करंज का कल्प दे सकते हैं, और भी कई चीज़ें का वर्णन आया है, या फिर उससे संबंधित जब क्या करते हैं कि योनि पूर्ण कर सकते हैं, इसमें फिर चांगली निम्बादी तेल है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि करंज का तेल है, करंज का तेल थोड़ा ज़्यादा ठीक होता है, तो उसके साथ हम जात्यादिक तेल को मिला सकते हैं। और बाकी जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट पेशेंट हमारे एजेड आते हैं जैसे रात को ज़्यादा फिट होती है, वहाँ पर चांदी के घर से हमें रोल बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मसल्स को वो फुल स्ट्रेंथ देता है। और उसके पुष्पा तेल, शताब्दी तेल, इस तरह की भी कंडीशन हमें मिलती है, और उसका यूनिक रन करने से बहुत लाभ मिलता है। तो ये कॉमन जो डिजीज आती है जिसे हम देख रहते हैं कफ यूनिक व्यापक, तो प्रैक्टिकल जो उसकी अप्रोच होती है इसको हम इस तरह से आजकल डील कर रहे हैं, और हमें 100% रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसको ओरल या फिर चिकित्सा पेशेंट को लिखनी होती है, या पेशेंट कहता है कि हम खाने की दवा क्या है, तो उसके लिए जैसे हम अक्सर बताते हैं कि पीपल और पाचन करना है, क्योंकि इस समय वायु कुपित है, वर्षा ऋतु है, तो लघु आहार के साथ साथ उसको मृदु विरेचन या नित्य विरेचन रखना होता है। सिंगोष्टक चूर्ण है, दाढ़ी मष्टक चूर्ण है,
पंचकृत ग्रंथ है या पंचदंती ग्रंथ है, समटाइम्स उसमें हम दाढ़ी मास्टर ग्रंथ वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पेशेंट कंडीशन के हिसाब से उसको दिया। साथ में रखनी बदाम पाचक सुविधा बहुत अच्छा है, इस समय हमारी कंपनियाँ बना रही है तो हम ऐड करते हैं, समटाइम्स हम उसको पाठ बनाते हैं, पाठ में भी कितना बिल्कुल बात है या फिर हम कुछ नहीं मिलता है तो सिंपल को यहाँ वायु चुनिंग पास का भी पान करा सकते हैं। देन उसकी गृहणी पर कार्य करना है, तो गृहणी पर कार्य करने के लिए इस समय गर्भवती है, आरोग्य वर्धनी अगर पेशेंट अगर कितने सुधरती है और पेशेंट की फिटर थोड़ी सी भी शुरू करती है तो सोच से तो उसके बाद जो हम जो भी पेशेंट हमको मिलते हैं उसके साथ में अकॉर्डिंगली जैसे कि लघु बसंत मालती का भी रोल है, जनरस का भी रोल, भगवती का भी रोल है, किलो सत का भी रोल है, शंख भस्म में है, तो वो हमें किस तरह से उसमें जो है कॉम्बिनेशन बनाना है पेशेंट के हिसाब से, कुछ हमें लेखन द्रव्य देना है, कुछ हमें उस तरह के द्रव्य देना है जो वहाँ के देती है, और कुछ इस तरह के देना है जिससे कि वहाँ की सुसूजन है या शोध है वो काम हो जाए। बाकी जन प्रभावती बहुत अच्छा काम कर रही थी और साथ में जो मैंने बताया कुछ खाने चिकित्सा करनी है बहुत अच्छा रोल है। अगर हम थोड़ा सा आयरन तेल या डिफरेंट हूँ या आयरन प्लस हरीत की इस तरह का दे सकते हैं या हरीत की सेंधव के साथ दे सकते हैं तो और रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सफल दिया जा सकता है, स्पेशली जो हमारे पास इस समय से जा रहे हैं शरीर में इसका बताए। आप लोग कुछ ना कुछ पूछना है तो बताइए, आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैम एक चीज और मुझे पूछना है। हाँ जी, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वो कहीं कहीं नहीं आ रही ना, बरसात का टाइम है तो वर्षा ऋतु की वजह से कहीं कहीं पर नेटवर्क का इश्यू फंसता है थोड़ा बहुत, तो इस तरह प्रॉब्लम होती है। जैसे जियो का नेटवर्क तो इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, एयरटेल में तो तब पर थोड़ा ठीक ठीक आ रहा है। मैम मैं पूछ रही थी प्रसूति मतलब सूतिका परिचर्या थोड़ा सा बताएंगे मैम प्लीज, मतलब उसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा रखना चाहिए। जैसे कुछ पेशेंट्स क्या है कि जितना मुझे याद है कि जब ब्रेस्ट को अगर हम गर्म सेक करते हैं तो उससे तो दुग्ध का लॉस होता है, बट पता नहीं कहाँ से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, करते रहते हैं इस तरह की चीजें अपने मन से, तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा मतलब कि ब्रेस्ट का भी ख्याल कैसे रखे, मिल्क सिक्रेशंस वगैरह सारी चीजें, या सूतिका परिचर्या मैम थोड़ा सा अगर प्लीज टाइम है तो बताएं मैम प्लीज। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होता है, अगर पेशेंट जैसे सबसे पहले तो वही है कि डिलीवरी के बाद ही किसी पेशेंट जो भी पेशेंट को डिलीवरी होती है जो अपरा पातन के बाद ही हम उसको सूतिका का नाम देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि सारी की सारी धातुएं बहुत अधिक क्षीण हो जाती है और अग्नि भी उसमें बहुत मंद हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पेया और बिलेती का जो आया है वो यूज पेया और बिलेती का वो यहीं पर आया है कि हमें उसकी धातु की जो क्षीण अवस्था है उस अवस्था के हिसाब से और अग्नि के हिसाब से मंद अग्नि के हिसाब से हमको पहले उसकी अग्नि को जो है थोड़ा प्रदीप्त करना है। तो यहाँ पंचकोल पेया का बहुत अच्छा रोल आया और आज भी पानी को भी हम क्या करते हैं अजवाइन का पानी या धनिया का पानी या फिर जीरे का पानी संस्कारित पानी देते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा एब्डोमेन पे उसको पट्टी बांध के रखने के लिए बताते हैं, एब्डोमिनल बैंड इलाज को सब लोग यूज करते हैं एब्डोमिनल बैंड को उसको बनाते हैं। और फर्स्ट डे सेकेंड डे क्या होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमको उसको बच्चे को फीड कराना ही रहता है। फीड कराने के लिए क्या करना होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल की इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं इम्यूनिटी के लिए, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी विद इन 1.5 आवर में हमें एक बार चेक करवाना चाहिए और उसके बाद जब भी बच्चा क्राई करे या ढाई ढाई तीन तीन घंटे का एक इंटरवल दिया जाता है, फीडिंग शेड्यूल बनाया जाता है बच्चे का, तो अगर बच्चा माँ का दूध उस समय बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है पहले दिन तो उसको हम गाय का दूध या फिर सिंथेटिक दूध को अवॉइड भी करना चाहिए। अगर सही से गाय का दूध मिल जाए तो ठीक है, मतलब सिंथेटिक दूध भी लैक्टोजन वगैरह आते हैं उसको भी 1:2 को जैसे 37 में घोल के उसको पिलाया जाता है और जब बच्चे को अच्छे से पिलाने के बाद वर्किंग की जाती है मतलब उसको
उसको आराम से जो है कमर को धीरे 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 दी जाती है, वो नकार ले लेता है, फिर उसको वॉमिट नहीं होता है, फिर उसको लटाया जाता है कमर से और मदर के पास ही लटाना चाहिए। मदर के पास लटाने से मदर और बेबी दोनों की बहुत अच्छे से कहना चाहिए एक केमिस्ट्री होती है जिससे कि मदर की बहुत अच्छी हीलिंग होती है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से धीरे धीरे पहले हमने यूज पिलाया, उसके बाद धीरे धीरे उसको मंड दिया, पेया दी, बनेपी दी, इस तरह से धीरे धीरे डाइट बढ़ाना जाता है। जैसे बहुत इस समय की सीजन चल रहा है तो पटोल पटोल का जूस भी दे सकते हैं, दाल में पटोल डाल के दे सकते हैं, थोड़ा सा इधर हम लोग तुरई लेनुआ बोलते हैं, तुरई बोला जाता है, उसका भी बहुत अच्छा सेवन, जो भी लाइट होता है जितने भी लाइट सब्जियाँ हैं लाइट डाइट्स है उसको देना चाहिए। उसके बाद जो आपने बताया कि ब्रेस्ट के लिए, तो अगर हम स्टार्टिंग से बेबी को सक कराएंगे फर्स्ट मतलब विद इन हाफ आवर से ही कराएंगे और हर किराए के बाद जब बेबी को कस के भूख लगती है तो उसको पहले ब्रेस्ट सक करने की आदत डाल देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती है। इससे क्या होता है कि मिल्क सिक्रेशन थोड़ा जल्दी होते हैं, इंक्रीज करते हैं और बेबी को सक करने की आदत उसको पड़ जाती है। जब भी वो फीडिंग के लिए तैयार हो या उसको रोए तो पहले उसको मदर का ही ब्रेस्ट को सक कराना चाहिए और मुझे लगता है सेकेंड डे या थर्ड डे से बहुत अच्छे से मिल्क स्टार्ट हो जाता है। और अगर बेबी उस मामले में थोड़ा सा भी जानता है या कहते हैं ना कि उसको हमने ट्रेनिंग दे दी है सकिंग की तो भी बहुत अच्छे से वो ब्रेस्ट मिल्क को सक करने लगता है। तो समटाइम्स प्राइमरी पेशेंट में या फिर जिनकी केयर बहुत अच्छे से नर्सिंग केयर अच्छे से नहीं हो पाती उनमें कभी कभी क्या होता है एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होता है कि वो हार्डनेस हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा हार्डनेस बढ़ जाती है जब बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाता है तो फिर वहाँ पे फिर धीरे धीरे सर्विंग शुरू हो जाती है। ऐसे समय में फिर हम लोग को करना पड़ता है कि जो सेंधर लवर युक्त जल होता है वो जल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, कोश होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। उसमें आपको डिप करना है थोड़ा सा कॉटन जो के ऊपर जो है वो कॉश को कवर करके और डिप करके फिर उसको स्क्वीज करके हल्का हल्का ब्रश के ऊपर रख के सिकाई करने से क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है मिल्क का वो धीरे धीरे खुद से बाहर निकल जाता है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं छोड़े अगर नहीं करना है अगर उसको हम बहुत अच्छे से उसका शेडन नहीं करेंगे या वहाँ पे सिकाई नहीं करेंगे तो वो फिर वहाँ पे जो होता है एब्सेस बन जाती है, वो बहुत पेनफुल भी होती है और वो कलेक्शन ऑफ जो मिल्क होता है वो उसमें पस वगैरह आ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जहाँ ब्रेस्ट सर्फिस बनने के चांस है या इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है वहाँ ये दिक्कत आती है। आयुर्वेद हमारे बहुत अच्छे सूचिका परिचर्य के बारे में बताता भी है और वहाँ पे जैसे पंचकोल प्रिया की मैंने बात करी थी, दशमुला ऋषि हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रभावती, योगराज, चित्रकारी, इस तरह का जो दवाएं हैं सूतिका हरण रस, क्योंकि सूतिका व्यापक का जो वर्णन करेंगे तो उन्होंने कम से कम 64 सूतिका व्यापक का बताया है। हमारी काश्यप समिति खुलिस्तान की सूतिका क्रमणीय अध्याय में इसका बहुत डिटेल वर्णन है। तो सबसे ज्यादा जो महानता व्याधि कहते हैं कष्टदायी व्याधि जो मानी गई है वो सूतिका जल ही माना गया। और अगर ब्रेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट को फीवर बहुत आता है और फीवर कभी कभी ज़्यादा हो भी जाता है, पेशेंट काफ़ी जो है डिस्कम्फर्ट फील करता है, तो सूतिका जल को उन्होंने कष्टदायी माना है। इसीलिए सबसे पहले बच्चे की ब्रेस्टफीडिंग पे और मदर के ब्रेस्ट की नर्सिंग पे बहुत ही केयरफुल ध्यान देना है और उसके साथ साथ लोअर जेनिटल ऑर्गन्स पे जहाँ क्योंकि वहाँ अभी ब्लीडिंग हो रही है और जो है मार्ग कहते हैं धातु सब क्षीण हो चुकी है और क्योंकि लगातार लोकल डिस्चार्ज बाद में भी होते हैं 40 डेज तक होते हैं, स्टार्टिंग में तक ब्रीथिंग अच्छी खासी होती है तो वहाँ बहुत केयरफुल रहना होता है। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसका जूस है सूप है और आयुर्वेद यही कहता है कि उस समय कोश भी पिलाना है या फिर उबाला हुआ बॉइल भी पिलाना है, कोई भी चीज़ ठंडा या जैसे लोग आजकल के लोग कहते हैं कि मुझे कूलर में सोना है एसी में रहना है वो सब अवॉइड करना है क्या हुआ नेटवर्क मतलब इशू हो रहा है ना? हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब, इधर बनारस के बीच कान थोड़ा बरसा है लेकिन इतना नहीं बरसा है कि नेटवर्क डिस्टर्ब हो, लेकिन थोड़ी आवाज हो रही होगी क्योंकि नेटवर्क हर जगह तो अच्छा नहीं चल रहा। हाँ
हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई और मैटर लेके किसी भी मैटर पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या कोई भी जो लोकल इस समय कॉमन कॉमन डिजीज चल रही है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा, मैंने दूसरे मोबाइल से चालू किया था क्योंकि क्या कि आवाज इस पर बहुत स्लो आ रही थी, तो मैंने कहा दूसरे में ज्वाइन करके देखते हैं, हो सकता है आवाज ठीक आए, तो फिर शायद उस वजह से को क्रिएट होने लगा था। जब भी थी मुझे बहुत अच्छा बताए बोलिए मैम, अभी पूछते हैं किसी को, किसी को अपना कोई केस पूछना है या कुछ शेयर करना है? मैम है, अंजना मैम है, आप लोग पूछ सकते हो, अर्चना मैम, मंगला मैम, जिसको भी, वर्षा कौशिक मैम, जिसको भी पूछना है, प्रवीण कश्यप सर मैम से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, या अपना कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है आप सभी को ना? प्रवीण कश्यप जी, आलोक श्रीवास्तव सर, कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहा क्या? एक मिनट, मुझे लगता है शायद सबको देना पड़ेगा आस्क टू अनम्यूट। कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, अपना हैंड रेज करें, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि शायद आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। हेलो मनीषा सिंह मैम, वर्षा मैडम का हाथ उठा है। हाँ, वर्षा मैम ने किया है। हाँ जी मैम, बोले। बस मैं अभी ज्वाइन मैम। जी जी, प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। मैम मेरे पास एक रक्त प्रदर की पेशेंट है, अभी कल ही आई है वो, और उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसका मतलब प्यूबर्टी से लेके अभी तक उसका मेंसेस डिस्टर्ब ही रहता था, मतलब कभी 1.5 महीने में आता, कभी 2 महीने में, कभी कभी नहीं भी आने से वो विड्रॉल ब्लीडिंग भी करवा रही थी। अभी मतलब 2-3 बार उसने हार्मोनल पिल्स ली हैं, उसके बाद अभी लास्ट मंथ उसको जब आया तो बंद ही नहीं हुआ पूरा। एक फर्स्ट डे आया तो ड्रॉप बाई ड्रॉप आया, मतलब स्पॉटिंग हुई, फिर 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ, उसके 5वें दिन 6वें दिन से आया तो कंटिन्यू पूरा 30 डेज तक चला उसका, बंद ही नहीं हुआ। तो उसने 10 दिन के बाद से एक डॉक्टर को दिखाया होगा तो उनने वही ट्रेनेक्सा वगैरह दिया, उससे उसका कम नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी जगह दिखाया तो उन लोगों ने उसको आईवी इंजेक्शन देके स्टॉप कर पाए वो लोग 4-5 दिन में ब्लीडिंग, तो वो सिर्फ 3 या 4 दिन ही बस रुक के रही, और उसके बाद अभी फिर से कल से फिर स्टार्ट हो गई, तब वो मेरे पास आई है। तो हेतु क्या निकाले आपने? हेतु मैम, वो उसको ये हुआ था कि जो फर्स्ट डे में स्पॉटिंग हुई उस टाइम मुझे लग रहा है कि उससे पहले उसने एक हार्मोनल पिल्स ली थी, उसके पहले वाली साइकिल में, मतलब एक साइकिल में पिल्स ली, उसके बाद उसको दो साइकिल। एज क्या है उसकी? एज क्या है? एज है 26 है मैम। बच्चे हैं? नहीं, अभी मैरिज नहीं हुई है, अनमैरिड है वो। अच्छा, तो उसके हेल्थ सेवन में, हाँ अभी ये सब तो है ही, क्या मतलब फास्ट फूड जंक फूड बीच बीच में चलता रहता है हफ्ते में 1-2 बार, और उसका प्यूबर्टी से ही इरेगुलर है, मतलब रेगुलर है ही नहीं पहले से ही। बाकी अभी का हेतु तो वही पिल्स का सेवन लग रहा है मुझे कि उसकी वजह से जैसे स्पॉटिंग हुई, मतलब कि कुछ उसका रुक गया होगा शायद, या फिर नहीं अभी वो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। यूएसजी कराई ना मैम, हो सकता है फाइब्रॉइड हो उसको। हाँ हाँ, वो तो मैंने भी सोचा है मैम, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, वो बिलासपुर तक जाने के लिए उसको बोल रही है कि मतलब ऐसा। भी हमारे पास, हमारे साथ में मैम जुड़ी हैं, अंजना मैम। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम। हाँ मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम। मेरा बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, बस इतना सुना था मैंने कि 5वें-6वें दिन जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी। जरा फिर से बताओ एक बार वर्षा मैम, क्या हुआ था आगे? हाँ मतलब फर्स्ट डे उसको लास्ट मंथ में फर्स्ट डे स्पॉटिंग हुई, उसके 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसके 6वें दिन से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो 1 महीने तक कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी।
कितने दिनों के बाद आई थी? कितने दिनों के बाद? रेगुलर है या हर मंथली आता है कि नहीं? मंथली मंथली तो नहीं आता उसको, शुरू से जब से उसका शुरू हुआ है तभी से उसको डेढ़ महीने में, कभी दो महीने, कभी ढाई महीने में, कभी कभी रेगुलर दो तीन महीने हो जाता था और उसके बाद फिर ऐसी हो जाता है। और अभी उसका चार पांच छह महीने से ऐसा हो रहा था कि ढाई महीने तक भी नहीं आने से वो पिल्स ले लेती थी। अच्छा, मतलब अभी दो बार ली है, जैसे विड्रॉल ब्लीडिंग कराई उसके बाद दो महीने तीन महीने तक रेगुलर रहता था, फिर नहीं आया तो फिर रेगुलर मतलब डेढ़ दो महीने में आ जाता था खुद से, और उसके बाद जब नहीं आया फिर से तो उसने फिर से पिल्स ले ली। पिल्स लेने के बाद उसका दो महीने फिर ठीक से आया, उसके बाद दो साइकिल तक, मतलब अब कितने में डेढ़ महीने में ही आया है। फिर उसके बाद जब आया तो एक दिन स्पॉटिंग हुई, पांच दिन तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके छठवें दिन से फिर उसको ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होती है। और नॉर्मली भी उसको जब भी मेंसेस आते थे तो हैवी ही होती थी, सात दिन तक की साइकिल थी और शुरू के पांच दिन बहुत ज्यादा ही होता था, 6 to 7 pads per day, और लास्ट लास्ट में थोड़ा कम होता था। क्या है उसका BMI कितना होगा, वजन कितना होगा, हाइट कितना होगा? हाइट उसकी 5'3" है और वजन तो 50 kg के आसपास है। ठीक है, वेट अभी अभी थोड़ा सा गेन किया है उसने। क्या करती है होगी उसका मतलब क्या है? अभी प्राइवेट जॉब करती है एक स्कूल में। जॉब का नेचर क्या है? स्कूल मतलब टीचर है? हाँ। और उसके अलावा मतलब केवल सुबह कितने बजे जाती है, कितने बजे आ जाती है? सुबह शायद 10 बजे जाती है और वो 5-6 बजे तक आती है। तो ये भी एक हेतु होता ही है, स्ट्रेस रहता होगा। डाइट स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस में उसके फादर की डेथ हो गई है लास्ट ईयर, और तो अब थोड़ा स्ट्रेस तो रहेगा ही। डाइट डाइट किस तरह की लेती है? डाइट के बारे में आपने बात की है सबसे? हाँ मैम की है, तो अभी तो उसका ये कहना है कि अभी जब से उससे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तब से सिंपल मतलब दाल चावल सब्जी रोटी ही खा रही है, और जंक फूड बीच बीच में लेती थी पहले, रात को 10 बजे 11 बजे तक सो जाती है। हाँ, तो सुबह उठ जाए जल्दी और थोड़ा सा उसका ओम का जाप कराइए और थोड़ा सा अभी तो हाँ मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को थोड़ा सा आप कमांड देना है, तो प्राणायाम जरूरी है, ओम का जाप जरूरी है, थोड़ा सा जो है बाकी सुबह के समय सूर्य नमस्कार अगर कर पाए। अभी तो फिलहाल इतना ही करें क्योंकि अभी तो ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को चेक करने के लिए अगर वो आपके पास आ सकती है तो फिर आप मात्रावस्थी और नाभि पूर्ण करिए। हम तो जनरली ऐसे केसेस में चंदन वाला लाख शादी तेल, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हल्का सा उसमें अरंड मिला दीजिए, अरंड तेल, और उसकी पांच मात्रावस्थी आप करिए और नाभि पूर्ण करिए जी मैम। और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो पटोल इत्यादि को आज के साथ थोड़ा सा आरगवध मिला दीजिए, पंचदीप मिला दीजिए और उसको सुबह को दीजिए, हल्का नित्य विरेचन कराइए। ठीक है, आपको मिल पाएगा तो हम जनरली ऐसे केसेस में इस समय बहुत अच्छा वर्क मिला है हमको, वो जो हम बताते हैं कदली जो पुष्प होता है, केले का जो फूल होता है उसका जो हमने देखा था, हाँ उससे संस्कारित हमने घृत बनाया था और अच्छा। उसका हम नस्य देते हैं जी। उससे जो है ये उस नस्य से ब्लीडिंग में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है पेशेंट में, और बाकी जो मेडिसिन आपको देनी है वो थोड़ा सूर्य शेखर रस ऐड करिए, चविकासम ऐड करिए। हाँ, ये दोनों चीजें दी हैं मैंने, और उसके अलावा रक्त स्तंभक वटी भी दे दी है। हाँ, कहरवा पिष्टी दीजिए, लाक्षर चूर्ण दीजिए, बोलभद्र रस दीजिए, गिलोय सत्व दीजिए, श्रीभंग भी दीजिए। हाँ, इसका अनुपान चविकासम भी रखिए जी मैम, और चंद्रकला रस भी दे सकते हैं, चंद्रभा बट्टी, सारी दवाएं एक साथ नहीं देना है लेकिन चंद्रभा बट्टी ऐड ऑन करना जी। शेखर खाने से पहले करिए और चंद्रभा बट्टी खाने के बाद करिए, पेशेंट को बताइए, क्योंकि ब्लीडिंग तो उसको लगातार हो ही रही है, और इसके बाद एक यूएससी कराइए, एनोविलेटरी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है, एनोविलेशन के केसेस में सब बोला कि 4-5 दिन देख लो, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी यूएससी कराने चलिए। दूरवा सरस मिल जाएगा? हाँ मैम, मैंने उसको बोला है कि दूरवा होगा घर के आसपास, तो उससे रस निकाल के और उसी को अनुपान के रूप में दे दिए।
चंडुलोदक का भी बहुत अच्छा रोल है पुरुषायन ऑफ टू के साथ, चंडुलोदक चंडुलोदक का अनुपान जी। ठीक है जी मैम, उसको ये टेंशन है, उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तुमको, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है वो नहीं, तो वो उसी को टेंशन लेके बैठी है कि अब क्या करवाना है, हार्मोन का चेकअप कराना। मैंने कहा भी वो सब कुछ नहीं है, तुम पहले सोनोग्राफी करा लो, उसके बाद बताऊंगी फिर क्या कराना है। और बहुत स्ट्रेस है उसको इसी चीज का कि मैं ठीक होंगी कि नहीं। नहीं नहीं उसको बता दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सब नॉर्मल सब ठीक हो जाएगा जी। ठीक है थैंक यू मैम। Hello. और किसी को भी कुछ पूछना है मैम से तो पूछ लें। प्रवीण कश्यप जी आप कुछ पूछना चाहते हो, अपने आप को अनम्यूट करो सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अनम्यूट नहीं हो रहा है इनका, प्रणाम मैम का भी हो गया लेकिन नेटवर्क मेरे कल फंस रहा है। हाँ कश्यप जी बोलिए प्लीज। हाँ मैम आवाज आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी आ रही, बोलिए प्लीज। हाँ मैम ये पूछ रहा था मैं कि मेरे एक पेशेंट को ना जैसे लूज मोशन टाइप की उनको म्यूकस बहुत आ रहा है टॉयलेट में, ब्लैक आ रही है मैम उनको लेटरिंग, 3-4 बार जा रहे हैं मैम दिन में, अभी 2-4 दिन से प्रॉब्लम है, और वो कह रहे हैं कि म्यूकस आता है लैटरिंग में। हेलो हाँ सर सुना थोड़ा और बताइए कुछ, उनका हेतु क्या है, उनका हार विहार कैसा है, किस तरह का जॉब करते हैं, क्या क्या डाइट में लेते हैं, आपने हिस्ट्री तो दी होगी ना उनकी सर? हाँ जी मैम जी मैम, खाली कंप्लेंट बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं होता ना, आप पेशेंट के बारे में डिटेल बताएंगे तो डिटेल्स होगा जी सर। एलोपैथी फार्मासिस्ट है मैम। हाँ हाँ तो कुछ दवाई भी खाए होंगे पुरानी जी? जी मैम कब से हिस्ट्री है उनकी? मैम कुछ नहीं, बस 2-4 दिन से ही प्रॉब्लम थी, वो मैक्सिमम मतलब हैं फार्मासिस्ट लेकिन आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार मेरे पास ही आते हैं, तो 3-4 दिन से ही वो प्रॉब्लम बता रहे थे कि मैंने जॉब करते जी मैम फार्मासिस्ट है मैम। अच्छा तो मॉर्निंग वरना कितने घंटे तक का जॉब है, स्टैंडिंग रहते हैं कि बैठ के दवाई वगैरह? बैठ के रहते हैं। और कुछ शौक उनके रहे होंगे क्या, नॉन वेज लेते हैं कि वेज लेते हैं? नहीं मैम वो पंडित हैं, वेजिटेरियन है प्योर मैम। बाहर का भी खाते हैं क्या मैम? बाहर की खाने की भी कोई हिस्ट्री है इस समय की? कभी कभी लोग शौक में समोसा वगैरह ले लेते हैं, इस समय कोई ऐसी हिस्ट्री भी रही होगी शायद? हाँ मैम ऐसी हिस्ट्री कभी कभार की है मैम, और थोड़ा लेट खाना खाते हैं रात को 9:30 या 9 के आसपास, 9-10 बजे खाना खाते हैं हम, लेट खाना खाते हैं। किस तरह के खाना पसंद है, थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा लेते हैं? खाना तो मैम नॉर्मली होता है, रोटी सब्जी यही वगैरह यही होता है। ठीक है तो इस समय उनको सबसे पहले उनको यही बताइए कि लंघन थोड़ा करना होगा, लंघन इन द सेंस कि जितना अगर वो थोड़ा सा अपने आप को जब तक भूख ना लगे ना खाएं, या अगर नहीं ले पाते तो एकदम लाइट ले, संस्कारित जल ले, संस्कारित जल जैसे हम लोग बताते हैं सौंफ और धनिया का जल ले संस्कारित, उसको उबाल दे, सौंफ और धनिया को उबाल के रख दे, वही पानी पिए, डाइट में हल्का सा मूंग की दाल का यूज ले, तक्र अगर घर का बना हुआ तक्र मिल जाए तो तक्र इसमें फायदा करेगा, और तक्र भी साधित होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे जीरा से साधित कर दीजिए, जीरा की छौंक लगा देंगे दक में देंगे तो बहुत फायदा करेगा, और मूंग की दाल के साथ अगर उनका भूख बढ़ता है तो मूंग की दाल की खिचड़ी भी चल जाएगी, फिर मूंग की दाल के साथ रोटी भी चल जाएगी, थोड़ा परोरा का जो है वो स्वाद पिलाइए, परवल का काढ़ा, इसके अलावा नेबू वगैरह दीजिए। दवाओं में ऐसे केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है,
क्योंकि पेशेंट को पहले ही बलहानि होती है क्योंकि, लेकिन ये जिससे आपने बताया कि ब्लैक कलर, और आप दूसरी बात बताया कि म्यूकस, तो ब्लैक कलर का मतलब होता है कि यहाँ पे दो बातें हो सकती है, पेशेंट ने आपको बताया ना हो या फिर पेशेंट को पहले से प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर ब्लैक कलर है तो ब्लड भी आ सकता है या ब्लड मिक्स भी हो सकता है, तो उसका आपको एक बार टेस्ट कराना पड़ेगा उनके स्टूल का, हाँ आरएम कराना होगा। और अगर आपके माइंड में लग रहा है कि उसको पेन की भी हिस्ट्री दे रहे हैं, मरोड़ वगैरह भी होता है जी मैम, मरोड़ होता है मैम, हाँ तो सबसे पहले सुबह को उनको हल्का, जैसे कहते हैं ना हम लोग पंचतत्व रस को दे सकते हैं, दाढ़ी मास्टर भी मिला सकते हैं, नहीं दाढ़ी मास्टर मिलाएंगे तो बिलवारी चूर्ण मिलाएंगे, ठीक है सर, बिलवारी चूर्ण के साथ दीजिए और कुटजा रस पिलाइए उनको। उसके बाद उनको जो है गृहिणी का, गृहिणी पे कार्य करना है तो यहाँ पे गृहिणी के लिए हमको थोड़ा सा गृहिणी की जो औषधियाँ है, जाति फलादि चूर्ण है, रामबाण रस है, ठीक है, और अगर थोड़े से ब्लीडिंग के चांस अगर आपको जरा सा भी लगता है तो बोल भद्र रस उसको मिलाना पड़ेगा, गिलोय सत्य काम करेगा। और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा जो है ये जो जाति फलादि का रोल बहुत अच्छा आएगा, संजीवनी बट्टी का रोल आएगा, शंख भाषण का भी रोल आएगा, कुट्टा जिखन बट्टी का रोल आएगा, कॉमन मेडिसिन सभी स्टार्ट करके और थोड़ा सा उनका एलएसपी करा लीजिएगा, और थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि स्टूल का आरएम और सीएस करा लीजिएगा, सीबीसी आपको पता होना चाहिए जनरली, और विड्राल टेस्ट करा लीजिएगा जी मैम, थैंक यू। कुछ और लोग भी बोले, और भी लोग बताएं कुछ। हेलो, हाँ सर नमस्कार, मैं ये कह रहा हूँ पहले इसको प्रॉपर से वैसे अगर क्लिनिकली थोड़ा सा रोल आउट कर दिया जाए, क्योंकि मदीना आ रहा है, मदीना एंडोस्कोपी करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऊपर से ही है, क्योंकि अगर फ्रेश ब्लड आता तो हम लोअर से देख सकते थे, मदीना आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर से आई है, इसीलिए मैंने बोला ना उनको कि पहले आप गैस्ट्रिक एरिया, गैस्ट्रिक एरिया जरूर देखना चाहिए, एंडोस्कोपी करा के जरूर देखना चाहिए, पहले स्टूल आरएम करा ले उससे पता तो चले कि ब्लड आ भी रहा है कि नहीं, इसीलिए पहले यूरिन आरएम में आ जाएगा, सॉरी स्टूल आरएम में पता चल जाएगा ब्लड अब से, स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड करा ले, वो भी करा लेता आपका, हाँ कंफर्म कर ले, मैंने पहले ये पाया था, और किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ मेडिसिन तो आपको देना ही पड़ेगा ना, इसलिए और डाइट बहुत मेंटेन करके रखती है, पित कुपित हुआ है, रक्त कुपित हुआ है, वायु का तो है ही है, उसमें अनुगमन कफ का, अनुकफ तो है ही है साथ में, तो वो सब जन्य व्याधि संग्रहणी टाइप का है, लेकिन ये कह रहे हैं दो दिन की हिस्ट्री है, वो दो दिन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं मिलता है, पेशेंट को बताया नहीं होगा या फिर उसने अपने आप को बहुत ज्यादा उसमें रखा होगा, ये क्रॉनिक केसेस में ज्यादा मिलता है। हाँ दो दिन में तो ब्लैक नहीं आ सकता, मदीना दो दिन में नहीं आ सकता, म्यूकस विद ब्लड। सर कहाँ से हैं आप आलोक सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप? अच्छा दिल्ली में कहाँ पर हैं? दिल्ली में मेरा विकासपुरी पड़ता है, मेरा ना मॉडर्न का है हॉस्पिटल। अच्छा आयुर्वेद में मैं तो अब आया हूँ। नहीं नहीं मैं पूछ रही थी आप डिग्री बीएमएस से कि एमबीबीएस से? नहीं मैंने तो एमडी किया है, काई चिकित्सा से हूँ। कहाँ से किया है? मैंने खुर्जा से, जगदत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। अच्छा बीएमएस? बीएमएस अलीगढ़ से किया था। ठीक है सर, थैंक यू। मैम बीएमएस बड़ा 99 का बैच है मेरा बीएमएस का, तो बीएमएस कमिंग है, 99 कमिंग है मैम, 99 में मेरा कंप्लीट हो गया था ना, तो फिर मैंने 2016 में एमडी के लिए किया है, जैसे आप लोग अब कर रहे हैं ना, मैं भी लेट होके जागा, 2021 में किया है मैंने, उससे पहले मॉडर्न में हाथ था, अब आके आयुर्वेद खेलना शुरू किया है। कोई नहीं सर, जब जागी है तब कहा सवेरा है, इसलिए मैंने पूछा आपके बारे में। और अब कौन पूछना चाहता है? तकदीर सर कुछ बताना चाहते हैं? तकदीर सर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ हेलो, आपसे पूछना ही था मैम, बताइए।
मैम ना मेरे पास असल में दो तीन टॉर्च के केस आए हुए हैं, उसमें से ना एक फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा ना वो है फाइनेंशियली वीक है, वो पंचकर्म नहीं करवा सकते थे क्योंकि उनकी मंथली इनकम ही 6-7,000 होगी। तो मैम वो पंचकर्म के बगैर ठीक हो सकता है? उसकी रिपोर्ट क्या है पहले तो आप ग्रुप में रिपोर्ट शेयर करिए। मैम रूबेला पॉजिटिव है मैम। हाँ तो आरबे की वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, उसको वैक्सीनेशन उसे रूबेला का लिया भी नहीं होगा और अब पॉजिटिव के बाद लगाने से उतना इफेक्ट नहीं होता। जनरली जो हमारा प्रोटोकॉल आया है वैक्सीनेशन का उसमें आरवेक लगाया जा रहा है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं पेशेंट को रूबेला पॉजिटिव है, रूबेला क्योंकि बहुत रूबेला और सीएमबी, अभी सीएमबी की तो मेडिसिन कोई मॉडर्न के डॉक्टर्स भी बस केवल वही रेट्रोवायरल मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन ही देते हैं और एग्जैक्ट मेडिसिन अभी सीएमबी वायरस के लिए भी नहीं आई है, तो उसमें इतना घबराने की बात भी नहीं है। पेशेंट जितना भी ले सकता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अगर ज्यादा कुछ नहीं तो आप नित्य विरेचन कर सकते हैं, नित्य विरेचन उसका रख दीजिए, मात्रा बस्ती पे उसको थोड़ा रख दीजिए, उसके उसके पूरे जो आहार विहार पे उसको मॉर्निंग में उठना है, प्राणायाम अच्छे से करना है, शुद्ध वायु लेना है, ओम का जाप करना है, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना है, डाइट पे जैसे उसको जितना भी रक्त शुद्धि वाला हमारा रक्त शोधक जी मैम, असल में मैम उसके ना पहले ग्रैनी दृष्टि थी बहुत ज्यादा पेशेंट को। हाँ। तो मैंने उसको 1.5 महीना ग्रैनी दृष्टि की मेडिसिन खिलाई थी, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। वो कह रही मुझे बॉडी में ऐसे लग रहा है कि मैं आगे से 5 गुना ज्यादा काम कर पा रही हूँ, उनका चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बहुत ठीक हो गया है, डाइजेशन को एसिडिटी गया, सब कुछ ठीक हो गया है। वो कह रहे बॉडी में पहले उनके हाथ पांव सो जाते थे वो भी बंद हो गए हैं, तो मैंने उनके पीरियड्स में इशू था वो भी सब कुछ ठीक कर दिया है। बस मुझे वही था कि क्योंकि वो पेशेंट था नहीं इतने फाइनेंशियली कि कर सके, फिर मैं मात्रा बस्ती का करवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करवा के। कराइए मात्रा बस्ती कराइए, योनि पूरण कराइए और उसको नस्य कराइए, उसको नस्य कराइए, नित्य विरेचन पहले दीजिए, दीपन पाचन और नित्य विरेचन दीजिए पहले, उसके बाद उसको फिर नस्य करके मात्रा बस्ती योनि पूरण पे रखिए, देखिए रिजल्ट मिलेगा। ठीक है मैम। और मैम कितना टाइम लग जाता है इस ट्रीटमेंट में? कुछ नहीं कहा, 6 मंथ तो मिनिमम मान लीजिए। ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम। हम लोग पेशेंट को एडवाइज ही करते हैं कि अगर आपको टॉर्च पॉजिटिव है तो आप 3-6 मंथ के लिए प्लानिंग मत करिए। जी मैम, मैंने उनको यही कहा कि आप चांस तो मत लीजिए अभी 6 मंथ के लिए, वो बस ये पूछ रहे थे कि ट्रीटमेंट कितनी देर करना पड़ेगा ताकि वो थोड़े से पैसे ना अरेंज कर लें। मिनिमम 6 मंथ मान के बोलिए। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज बोले। मैम से कुछ पूछना है किसी को? अगर कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करती हूं क्योंकि मुझे ज्यादा ऑप्शंस नहीं आते हैं। किसका किसका हैंड रेज? तो आलोक श्रीवास्तव जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं। ओके सर, और कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है, कुछ अपना शेयर करना चाहता है? मनीषा मैम आप बोल रहे थे, मैंने कई बार आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का, आप देख लो चेक कर लो। हाँ जी मैम प्लीज। अभी हो गया मैम। ठीक है मैम, मुझे बात करनी थी बट उस समय हो ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं मैम, हो गया। ठीक है मैम। ये मुझे ना वो वर्षा मैम के बारे में कुछ बोलना था। मैम ने अभी जैसे सजेस्ट किए ना बहुत अच्छे से अंजना मैम ने, तो उसमें उसी टाइप का एक केस था मेरे पास मैम। अंजना मैम बोलो प्लीज। हाँ जी हाँ जी बोलो प्लीज। हाँ मैम, वैसे ही एक केस था, ऐसे ही उसको 27-25 days ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन आता था और उसके फाइब्रॉइड की भी शिकायत थे और स्ट्रेस बहुत था उसको, बहुत जबरदस्त स्ट्रेस था। तो उसमें मैं थोड़ा उसको तक्रधारा चलाई और स्नेहन स्वेदन कराई, एक दिन पूरा कराने को एग्री नहीं थी और नस से चलाया मैंने छिरबला का, इसमें प्रद्रांतक लौह नाग केसर और प्रवाल पिष्टी ये सब शतावरी वगैरह मिला करके मैंने उसको योग बना के दी।
उसी रासाओं के साथ में, और मैम वचा जटामानसी इसका योग बना करके दी मैं थोड़ा सा अश्वगंधा के साथ में, तो काफी रिलीफ मिला और उसको 8 से 15 दिन में ही रिलीफ आ गया और अभी तक ठीक है मैम। हाँ मैम बहुत अच्छा आपने बनाया भी ना, बहुत अच्छा। हाँ, और मैं दुर्वा स्वरस का मैं घृत बनाई थी, जैसे आप बताते हैं दुर्वा था, ताजा दुर्वा था, तो उसका घृत बनाई और उसको फिर मैं कंटिन्यू 5-7 दिन और दिया मैंने, उसके बाद से अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है और उसको काफी फेस में ग्रेस भी आ गया और हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई और स्ट्रेस भी खत्म हो गया। एक्चुअली उसकी बेटी का प्रॉब्लम था काफी, आजकल बाहर जाती हैं लड़कियां पढ़ने तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से चलने लगती, बहुत स्ट्रेस में थी, किसी को बता नहीं पा रही थी। ये सारी चीजें जब खुल के मैंने बात की और ये सारी चीजें दी तो बिल्कुल अभी तक ठीक है मैम। ये सरप्राइज लगा मुझे, इतने जल्दी रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन नस्य और ये चीजें जो है साथ में बहुत कारगर सिद्ध हुई जी मैम, यही शेयर कर। ये बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि हम लोग अभी तक जो कुछ साल पहले तक यही होता था कि हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त चलता था, चाहे किसी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी, जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी आज के भी मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट देते ही है, और उसका देखा देखे हमारे जो भी एमएस के स्टूडेंट्स है या जो वहाँ सीखते हैं वो लोग भी इसको यूज करते हैं, या पीरियड नहीं आ रहा होता है तो विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए देते हैं, क्योंकि हार्मोन ट्रीटमेंट जो है स्पेशली मॉडर्न गायनेकोलॉजी का कहना चाहिए बैकबोन है। लेकिन मेरे को ये कहने में बहुत हर्ष होता है, गर्व होता है कि हम लोग बिना हार्मोन प्रैक्टिस के ही हम इस तरह के सारे केसेस, चाहे वो आपका डिलेड मेंस हो, चाहे आपका ब्रीदिंग का केस है, ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही 100% ऑफ श्योरली कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये हम मान सकते हैं, लेकिन पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है और वो स्थिरता प्रदान करता है। और रक्त रक्त की भी पुष्टि होती मैम, उसमें काफी ब्लड भी कम था, 7.2 था और उसका 9.8 आ गया। ये सारी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और इतनी ज्यादा हम लोग बेनिफिट दे पाते मैम, लेकिन वो अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे सब आएगा मैम, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मॉडर्न मेडिसिन के मिलने लगे तो पेशेंट जो है घर की तरफ काफी झुकाव, एक साथ इतना बेनिफिट मिलना मैम और इतने कम समय में और इतने कम खर्च में, फिर भी बोलते हैं प्रवाल पिष्टी आपका महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, बसंत मालती रस भी चलाया मैंने उसको साथ में थोड़ा तो ये बड़ा महंगा है, ये सारी चीजें मेंटेलिटी अभी भी नहीं सुधर रही मैम, बहुत दुख होता है। एक युग बदलेगा ना, युग बदलेगा तभी तो हो जाएगा, इसके लिए जो है हम लोग अपना कार्य लगातार करते रहे, आगे आने वाले पीढ़ी और स्मार्ट होती है और अच्छा करेगी, हमें लगता है कि एक दिन आयुर्वेद का होगा। जी मैम, थैंक यू मैम। अंजना मैम एक बार वो टोर्स को बता दो, टोर्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, IUDR होता है क्या, IUD हो जाता है क्या उसमें? टॉर्च में बहुत कुछ हो सकता है सर, सबसे पहले तो अगर टॉर्च इन्फेक्शन होगा तो इम्प्लांट ही नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होगी, ट्यूबर ब्लॉक हो जाएगा और एंडोमेट्राइटिस हो जाएगी, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो प्लेसेंटल और हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ पे जो है कई तरह की जो हमारी सेल्स होती है या जो हमारी वेसल्स होती है उनकी जो इंट्रावेस्कुलर सेल्स होती है वहाँ पे एक तरह से कहना चाहिए इडिमेटस हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो ऐसे आवाज तो बड़ी डिस्टर्ब आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हम बाहर आ रहे मैम, आवाज आ रही है सर, आपका होगा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ तो सर, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए ना फिर। एक्चुअली मैं ये कह रही थी ना कि वहाँ पे जो आपने पूछा टॉर्च का मतलब होता है कि जो अगर टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मा हो या रुबेला हो या साइटोमेगेला हो या रुबेला, हाँ तो रुबेला का अपना एक बहुत बड़ा कॉज होता है रुबेला, जो रुबेला अगर इन्फेक्शन है वायरस है वहाँ प्रेजेंट है ना, तो आप उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी यही बताती है कि जो वो इंट्रावेस्कुलर मीन्स जो हमारा प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है उसको डिस्टर्ब करता है, और जब प्लेसेंटल सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो फीटस को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है,
जब प्रॉपर फिटस को ब्लड नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो उसका ग्रोथ रिटार्डेड हो ही जाती है। तो ये कंडीशन जो होती है वो सीएमबी में भी है, रूबेला में भी है, और सबकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो थोड़ी थोड़ी अलग बताई है। लेकिन ये जो है कभी कभी आपका प्रीटर्म जो है पीआरओएम जिसे पहले हम बोलते हैं प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, एक बहुत बड़ा कॉज है। प्रीटर्म लेवर भी इसका बहुत बड़ा कॉज है। सीवियर आईयूजीआर भी एक बहुत बड़ा कॉज है। एबॉर्शन भी इसका बहुत बड़ा कॉज है। और समटाइम्स जो ये तो बात की बातें हैं, कुछ पेशेंट हमारे इतने ज्यादा सफरर होते हैं कि वो पेशेंट जो होते हैं वो जो है ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर जो है इन्फेक्शन के कारण इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो टॉर्च के लिए इसीलिए पहले हम कहते हैं कि जब टॉर्च का पेशेंट अगर हमने उसको देख लिया या टॉर्च का पेशेंट आ रहा है तो फिर शुद्धि पंचकर्म के द्वारा शुद्धि या फिर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमें उसको पहले 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा का समय दे के उसको पहले स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देना है, उसके बाद ही हम इस प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो पेशेंट की प्रेगनेंसी सही होगी। या वो शोधन के साथ क्या लाइन उसका शमन चिकित्सा क्या देखते हैं? जैसे बताया मैंने कि पहले तो क्योंकि वो गृहिणी दृष्टि हो रही है तो गृहिणी दृष्टि पे आप काम अच्छे से करो। काल में एक बहुत अच्छा काम करेगा, क्रमी उद्गर बहुत अच्छे से काम करेगा, विडंगा रिष्ट आपका काम करेगा, पलाश विष्टून यहाँ काम करेगा, आरोग्य वर्धनी पट्टी काम करेगी, है ना, गृहिणी कपाट रस काम करेगा अकॉर्डिंगली। जैसे केसेस के हिसाब से हमें गृहिणी को लीवर पे काम करना होगा, हमें शोधन करना होगा, है ना, हमको मृदु हाँ मृदु विरेचन करना होगा, क्योंकि मेन तो पित्तधारा कला है। पित्तधारा कला जब तक हमारी कहना चाहिए पूरी तरह से शोधित नहीं होगी तब तक हमारा पेशेंट जो है प्रॉपर नॉर्मल जो है रस रक्त मांस में रस की मज्जा शोध हमारी सप्त धातु का निर्माण नहीं कर पाएगा, और जब वो निर्माण नहीं हो पाएगा तो फिर वो स्वस्थ शरीर नहीं माना जाएगा। शशि मैम देखिए जो हमारी अनुरीता मैम कुछ कह रही है, शायद उनको पढ़िए और कुछ हेल्प करिए। हाँ मैम, मैंने उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया था, मैं फिर से करती हूँ, मैंने बोला भी था। अनुरीता मैम अनम्यूट करो आप अपने आप को। या मैम एक्चुअली गुड इवनिंग अंजना मैम। गुड इवनिंग जी मैम। ब्रीच प्रेजेंटेशन जब है और 8 मंथ है तो उस वक्त में हम एक्चुअली व्हाट एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हमने 8वें महीने में बस्ती दिया तो चलता है, लेकिन प्रचलन कैसा है, वी फॉलो दैट वी गिव मात्रा बस्ती इनटू 9th मंथ। तो 8 मंथ शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी काफी आजकल 60% पेशेंट जो है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, तो वॉट शुड बी आर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या कैसे ये करो, हाउ वी शुड ट्राई फ्रॉम आवर आयुर्वेदिक एंगल, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। हाँ मैम, आहार और विहार दोनों पर हमें फोकस होना होता है। क्या चीज पेशेंट भी तो है, आप खाना खाया, टीवी देखा, एकदम लेजीनेस आराम ज्यादा करते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं मॉर्निंग आवर में, जैसे सबसे अच्छी बात है कि पहले उनको तो सौम्यता से होना चाहिए, मन उनका खुश रहे लेकिन इतना आराम ना करे। दूसरी बात ये है कि सुबह उठे, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, प्राणायाम उनको भी बहुत जरूरी है, हल्का वॉक जो है मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है जैसे अभी आपने बताया कि बस्ती को यहाँ पे महत्ता दी गई है, आचार्य चरक ने जहाँ पिचू माना गया है तो योनि को उन्होंने मृदु मार्दवता या मृदु मृदुता वहाँ प्रदान करने के लिए बात किया है। तो देखिए 99% तो हम किसी चीज में भी वो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं प्रैक्टिस में कि अभी वो 37 वीक तक में भी कभी कभी रोटेट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर पेशेंट का क्रिया कहते हैं ना कि वो कार्यशैली और थोड़ी एक्टिवनेस उसकी सही रहती है और वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ही डाइट ले रही है, जब गर्भ स्थापक योग चलाते हैं, अष्टम आसन में क्या क्या मेडिसिन देनी है, हमें क्या बस्ती कम करना है, एक तो पेशेंट रेगुलर फॉलो करती है तो मे बी कि वो रोटेट कर जाए। 100% आप पेशेंट को नहीं कह सकते कि आपका रोटेट कर जाएगा। और प्राइमरी केस में और मल्टी केस में डिफर होता है, यह हम सभी जानते हैं। प्राइमरी केस में चांसेस थोड़े कम रहते हैं और मल्टी केस में चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं रोटेट करने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट का रोटेट नहीं हो सकता। अपान वायु बहुत प्रबल वायु है और अगर वायु अनुगमित हो जाती है तो वो मूल गर्भ को भी कहते हैं ना कि वो सामान्य प्रसव की तरफ ले आती है।
अगर नहीं हो पाता तो फिर वो मुड़गर नहीं जाता है, फिर मुड़गर की जो गतियां बताई है या मुड़गर की जो चिकित्सा बताई है उसके हिसाब से जरूरी नहीं होता। अगर मल्टी केस है उसको दो नॉर्मल हो चुके हैं तो ब्रिज प्रेजेंटेशन भी जो है वो नॉर्मल डिलीवर में एसवीडी मतलब स्पॉन्टेनियस वजनल डिलीवरी में आराम से किया जा सकता है। हाँ, ब्रिज डिलीवरी में थोड़ा एक्सपर्ट हैंड्स की जरूरत होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नेक से प्रॉब्लम आती है और बेबी का हेड आउट करने में अगर आपके पास एक्सपर्ट हैंड्स नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन प्राइमरी केस में हमें रिस्क नहीं लेना है और प्राइमरी केस में रोटेशन के चांसेस भी थोड़े से परसेंटेज वाइज कम मिल रहे हैं। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि अगर हम योनि पिचू और हम जो है एरंड तेल की बस्ती है, बला तेल की बस्ती है या फिर सहचरादी तेल की बस्ती है और उसके अलावा नाभि पूरण है, अधोदर का लेपन है, बाकी उसका और आहार विहार पर फोकस करे, पेशेंट को अच्छे से ट्रेनिंग करे, पेशेंट की प्रकृति के आधार पर उसको जो है उसको समझाने का वो करे तो कुछ नहीं से अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु कुछ नहीं करने से तो पक्का पक्का है कि फिर वो हमें सीजर ही देना पड़ेगा या हमें उसको ऐसे छोड़ने से प्रॉब्लम आएगी। अगर हम उसको समझाते रहते हैं एनसी केयर में तो कहीं कहीं हमें रिजल्ट मिल भी सकता है। निराश नहीं होना है, पेशेंट को दोनों तरफ से समझाना है कि आप ऐसा करोगे तो आपको डिलीवरी के बाद भी इससे बहुत आराम मिलेगा और डिलीवरी अगर आप मेरी की अगर आप करोगे तो बेबी का सर नीचे आ जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने जो बताया वही सारी चीजें फॉलो करते हैं लेकिन मुझे लगा बिकॉज बेसिकली मैं बला तेल है या दशमुन तेल है अगर पेशेंट का कहीं पेन वगैरह है तो उधर कटी और पैरों को इन एरियाज को सिर्फ स्नेहन मतलब कोई वो नहीं लगाना है प्रतिलोमित ये नहीं करना है बस सिंपल ऑयल एप्लीकेशन करना है ये बताती हूँ। दूसरा अनुलोमक करके मैं कोई मृदु श्रोसक चीज दे देती हूँ या आंवला या आंवला की का कोई योग या विपत्ति कर ये दो तीन चीजें मैं आठवें महीने में चला लेती हूँ। और दूसरा चीज ये कि थोड़ा सा कभी कभी किसी का एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के बाद में भी ब्रीच जो है वो नीचे ये नहीं कर पाता है। उसका साइन क्या रहता है कि बच्चा पैर मारने की कोशिश करता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रोटेट, लेकिन अगर उसको एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपरली नहीं मिला तो सिर्फ उसके पैर की मूवमेंट होती है, वो खुद मूव नहीं होता है। ऐसे जब पेशेंट कंप्लेन करती है तो वहां पे काफी बार एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट नहीं होता है तो वहां पे वो ट्रीटमेंट भी आपको ये करने पड़ती है। तो इसलिए मैंने बोला कि आजकल बहुत ज्यादा ब्रीच प्रेजेंटेशन हो रही है तो हमारे इसमें और कुछ योग है या कुछ ऐसे अगर लिखा हो वरना आपने जो बताया एकदम बराबर अनुलोमित वायु और ये सारी चीज पे सब कुछ टिका हुआ है। और सबसे मेन चीज पेशेंट डर में नहीं जीनी चाहिए, उसकी माइंड हीलिंग और उसकी मेंटल स्टेटस बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं गर्भ संस्कार के कुछ योग दे देती हूँ जो सुनने में अफर्मेशन देते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो खुद को प्रोत्साहित करे और एंजाइम से। थैंक यू वेरी मच। हां, पर वाइगसली कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता ना, उसको तो वैसे भी मान जी खाना ही गया कि बस केवल हम कोशिश कर सकते हैं और पेशेंट अगर बात माने तो वही 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 बट स्टिल वी हैव टू वेट टिल 9 मंथ। 9 मंथ तक यू शुड नॉट गिव अप मुझे ऐसे लगता है ना। या वेट कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। और वायु का निर्मल करने के लिए अगर हम मात्रावस्थी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होता है, बल्कि फायदे में रहता है। तो शीरबला के साथ में और कुछ चीज जो हम बस्ती दे सके, अब जैसे हमें वायु का अनुरोमन करना है अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन का केस है तो यहाँ आप सेचर भी मिला सकते हैं। सेचर मिला सकते हैं? मिला, हाँ मिला सकते। अच्छा, मैंने ताराचंद में मैडम मैंने क्या किया है, मैं इसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज करती हूँ। एरंड तेल के साथ थोड़ा सा हमने दशमूल डाल दिया है ना, या हमने शीरबला के साथ थोड़ा सा एरंड डाल दिया है ना, तो एरंड तेल का रोल बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो बुक्स आई हैं और जो टीका करा रहे हैं उन्होंने सहचर का भी और सुकुमार घट का भी यहाँ पे सुकुमार घट का भी रोल बताया है। और बाकी तो जान ही रही है, शास्त्रों से छान के लाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन जितना हो पाता है उतनी स्टडी हो पाती है, क्योंकि अब वो स्टूडेंट टाइम नहीं रहा ना कि हमें केवल पढ़ाई करनी है, बहुत राय मिलती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तिवारी मैम। थैंक यू।
सविता मैडम से बोला ही, सविता मैडम की आवाज सुने बहुत दिन हो गए। सविता पीछे मैम को बोली, सविता मैम एक मिनट। हेलो मैम, हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोले, प्लीज मैम है आपको मैम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैम आपको पर्सनली टाइप करके भेज दूंगा, आप बता देना कि ये ठीक है। बिल्कुल हमारे ग्रुप के एक सर हैं जो उस शख्स बात करते थे, उनकी शख्स मतलब वाइफ को ही था, और वो अभी बता रहे थे कि केस थोड़ा क्रिटिकल था उनका, और लगातार वो 9 मंथ तक मेरे टच में रहे। अभी उनकी व्हाट्सएप चैटिंग देखती हूँ तो बात करती हूँ, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अपने ग्रुप के एडीए ग्रुप के सर है। और सबसे अच्छी बात ये है, बधाई है उनको, उनको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है और वो बहुत सब कुछ सही है उनका। तो वो जब भी एक शायद 4-5 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे डाले हुए थे, तो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं शेयर करती हूँ। सविता मैडम कहाँ हैं आप? वर्षा कौशिक मैम को बुला रहे हो मैम? सविता पीठे मैम आई। अच्छा सविता पीठे, एक मिनट मैं देखती हूँ। यस मैम अनम्यूट करो, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। हाँ प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया चल रहा है, आपकी आवाज भेज रही थी बहुत दिन से। कैसे और कुछ बताइए, कुछ बताइए, नई चीज बताइए कुछ, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी में कुछ बताइए। हाँ मैम मैं अभी थोड़े बाहर हूँ। अच्छा हाँ, बेटे के साथ में, नहीं तो मैं बताती मैम, और प्रैक्टिस में नहीं हूँ अभी, मैं आप सबसे सुन रही हूँ और सीख ही रही हूँ, नॉलेज ही रही हूँ अभी। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग, मैं जरूर बात करूंगी आपसे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो प्लीज हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, क्योंकि एक बार तो सबको किया था बट अभी भी शायद प्रॉब्लम आ रही लोगों को। जिसको भी बोलना प्लीज अपना हैंड रेज करें। आदित्य सर पूछ रहे हैं कि देव विपाश्या चिकित्सा के लिए, देव विपाश्या चिकित्सा के लिए कौन सी किताब ले सकते हैं, चौखंबा से कुछ मिलेगा क्या? हाँ सर, आप चौखंबा आएंगे तो जरूर मिल जाएगा आपको। देवाभिपाश्य चिकित्सा की बहुत बुक्स आई हुई है, मानस रोग की भी बहुत चिकित्सा आई है, एक दो बुक मैं अभी आपको अपने व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे राम रक्ष पाठक सर हैं, राम हर्ष सिंह सर हैं, इनकी लिखी हुई चिकित्सा, इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं स्पेशली देवाभिपाश्य चिकित्सा है, देवाभिपाश्य चिकित्सा पे या मानस चिकित्सा पे बहुत ज़्यादा किताबें आपको मिल सकती है। लाइब्रेरी वगैरह भी आप अगर BHU वगैरह की यूज करना चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत बहुत बुक्स हैं। एक बार सर हारिस संहिता पलट सकते हैं? हारिस संहिता में जैसे लिखा हुआ ना कि कौन सी बीमारी किस वजह से हुई है, जैसे सर ने एक बार लेक्चर लिया था सो मुझे याद आ रहा है कि पिछले जन्म में हमने ये किया था तो ये बीमारी हुई, तो फिर वहां पर वो चीजें भी उसके तोड़ भी लिखे होते हैं। तो एक बार आप हारिस संहिता पलट सकते हैं, और वाकई चौखंबा आप जाइए, उनसे आप बोलेंगे तो जितने भी मतलब मार्केट में इस तरह के बुक्स अवेलेबल होंगे वो आपको सारी बता देंगे, तो फिर आप वहां से छाड़ सकते हो, या तो ऑनलाइन भी देख लो, कुछ हो सकता है शायद मिल जाए। सर ने हारिस संहिता का लिया था वो मुझे याद है। सर आज बोल क्यों नहीं रहे आ रहे थे सर? जी मैम, और किसी को कुछ पूछना हो मैम से तो पूछे। आदित्य सर आप कुछ बोलिए, आपने सुना? जी सर। जी मैम, मैं आदित्य सर से कह रही थी कि सर आपने आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया, आपने हम लोग की बात सुनी? आदित्य सर है ना मैम? ये आदित्य झा लिखे हैं शायद, क्या एक मिनट में देखती हूँ, नहीं ओनली आदित्य लिखा है, आदित्य सर हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ शायद पता चले। हाँ जी सर प्लीज, अगेन आपका म्यूट हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? मैम जैसे जैसे देव विपाश्य चिकित्सा और जैसे यज्ञ में जैसे भगवान का आह्वान करते हैं या आयुर्वेद का आह्वान करते हैं, तो उसके लिए मैम कुछ गाइडेंस मिल सकती है क्या? सर एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए देखिए बुक्स तो बहुत है आपके पास, और हमारे यहाँ इसके स्पेशलिस्ट अलग से हैं, क्योंकि BHU में अगर आप देखेंगे ना तो हमारे यहाँ इसका मानसिक पे अलग ही थीसिस लिखी जाती है, और इसके स्पेशलिस्ट काय चिकित्सा में एक ब्रांच है मानस चिकित्सा, तो उसपे वो अगर आप आना चाहते हैं बनारस तो आ सकते हैं, और मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ,
क्योंकि उसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बहुत अच्छा बताएंगे। जैसे हम लोग के आप थोड़ा सा गायनी में ज्यादा हो रहा है तो हम गायनी के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आपका मानस चिकित्सा से या देव पाशा चिकित्सा से? नहीं, मानस से नहीं मैम, एक्चुअली मैं फिजिकल उससे वो है मैम। अच्छा। मैं एक पेशेंट था वृंदावन में, वो रिद्धेश्वर महाराज, उनको तीन जगह मेटास्टेसिस थी, उन्होंने मृत संजीवनी यज्ञ किया, पांच लोग बैठे, तीन मर गए उसमें से एक महीने के अंदर, और वो ठीक हो गए। और मेरे पास भी मृत्यु आई थी तीन दिन पहले, तो पहले विश्वास नहीं करता था मैं, लेकिन जब मैंने देखा कि इस तरीके से रिजल्ट आ रहे बिना मेडिसिन के, तो इससे जैसे दूसरे अच्छे काम जैसे आयुर्वेद को आह्वान करना या वापस रिसर्च करना, उसके लिए अगर वो बनारस से ही आए थे जो ब्राह्मण आए थे यज्ञ करने के लिए, पतले दुबले चोटी लगाए, चार पांच लोग आए थे, उनने पूरे मंत्र से आप अपने पूरे अनुभव को अच्छे से शेयर करिए हम लोग के साथ, जैसे जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है सब लोग के साथ। ये जो मृत संजीवनी विद्या होती है, एक्चुअली में मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास में थी, तो शुक्राचार्य को इसीलिए बोलते हैं कि देवगुरु से एक ज्यादा नॉलेज था, उनके पास ज्यादा नॉलेज थी। और मृत संजीवनी विद्या का मेनली मतलब मेन अध्येता जो है शिव है, तो इसमें उपासना की जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताऊंगी, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं जहां पर मतलब कि ऐसा किया गया कि एक बंदे की डेथ हो गई, ये कहीं पर भी सात्विक प्रवृत्ति में इसको नहीं किया जाता है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें या ये मैं कहूंगी तंत्र मंत्र की चीजें इधर में ज्यादा फोकस ना करो। आपको दैवपाशर चिकित्सा सीखना है, उसमें क्या होता है मेनली मंत्र बलि ये सब सारी चीजें होती है, तो आज की डेट में मंत्र कराते हैं और भी जितने पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने वाली सारी चीजें वो कराई जाती हैं, पूजा पाठ कराया जाता है, मतलब जितना कर सकते हो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट वाली जो भी चीजें हैं जिससे सिर्फ भला हो, दैट इज बेटर। बलि नहीं देते किसी की, बलि नहीं देते उन्होंने जो चिकित्सा की, नहीं उन्होंने किसी की बलि नहीं दी। जैसे आपने बताया कि उसमें से एक बंदे की हो गई, वो सर्वाइव कर गए, ये वाली जहां पर बात चली, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, ठीक है? ये एस्ट्रोलॉजी का है, थोड़ा सा धर्मशास्त्र का है, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है वो धर्मशास्त्र से भी अफेक्टेड है। इससे कुछ उसमें ऐसे कुछ गाइडेंस मिल जाएगा उसकी, जैसे उसके मैकेनिक्स समझने के लिए? नहीं देखिए, इन सब के मैकेनिक समझने में ऐसा नहीं होता कि ये बहुत इजी सी चीजें होती हैं, उसमें प्रॉपर गाइडेंस अगर कितने भी करते हो गाइडेंस अगर मिलता है कोई, अगर कोई उसके लिए या कोई बुक हो, जैसे चौकम्बा के पास नंबर है वो किताब दे देते हैं। हाँ, वैसे तो आपको पलटना है तो आप मृत संजीवनी विद्या करके पलटिए, हो सकता है इस पर कोई किताब हो। हालांकि शुक्राचार्य का इस पर पूरा वो था, मतलब उनके पास ये विद्या थी, इसी वजह से वो क्या करते थे कि जब भी राक्षस मरते थे तो उनको फिर से वो जिंदा कर देते थे, और इसी पर फिर मृत संजीवनी सुरा का भी अपने आयुर्वेद में वर्णन है कि उसके अंदर भी ये ताकत होती थी। हालांकि वहां पर ये बिल्कुल क्लियर कट नहीं, जान जा चुकी थी तब का है, पर मैं आपको यही कहूंगी कि इस चक्करों में मत पड़ो आप। सर बड़े क्रेजी है ना आयुर्वेद को लेके, कुछ नया जानना चाहते किसी को मैम? बस वो एक चीज, जैसे जैसे वेद का आह्वान जैसे करते हैं कि पहले मैं सबको गप्पे समझता था, लेकिन जब वो संता देखे भी मंत्र मैंने पहले नहीं सुना था उसमें से, बस वो जो शुरू जो शुरू में इन्वोकेशन करते हो अपान नमः व्यान नमः, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने मंत्र पढ़े थे, लेकिन उसके बाद जितने भी संस्कृत में पढ़ा था एक भी मंत्र मैंने पहले नहीं सुना। तो संता देखे जिस तरह से दिया था उसका इफेक्ट तो है, किसी तरह से ब्रिज बन जाता है, तो भगवान से ब्रिज बनाने में क्या? तो सर मंत्र या उच्चारण जो भी होते हैं वो तो सब में ऐसे होता है, अगर आप देखे कि रामचरितमानस से किया जाता है तो उसको संपुट बोलते हैं, कहीं पर समता बोलते हैं, तो पर्टिकुलरली वो तो किया ही जाता है उस तरीके से। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि आपको धर्मशास्त्र थोड़ा सा सीखना पड़ेगा तब हो पाएगा, अगर वाकई करना चाहते हो आप। तो चैलेंज जेटली सर का है, वन हैंड रेस किया हुआ। शैलेंद्र सर नहीं है क्या? गुड इवनिंग। हाँ, ये मैं आदित्य सर को जवाब देना चाहता हूँ। वो ये जो मंत्र का है ये बिना धर्म शास्त्र को पढ़े आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। बिना धर्म शास्त्र की जानकारी कोई आपको गुरु दे तब इस पर कार्य करिए, क्योंकि ये मंत्र का आह्वान होता है, इसमें बीज मंत्र होते हैं, हर रोग से संबंधित भी बीज मंत्र होते हैं। जैसे एक विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें हजार मंत्र हैं, हजार मंत्र के अलग अलग जाप हैं, तो उसमें नेत्रों के लिए है, उदर के लिए है, सबके लिए अलग अलग मंत्र हैं।
तो विष्णु सहस्रनाम उसमें एक पुस्तक है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। लेकिन ये बिना गुरु से आप इस ज्ञान लिए अब इसको मत करिएगा, ये मेरा कहना था बस इतनी सी बात। हाँ जी सर, और कोई कुछ बोलना चाहता है? मनीषा मैम को बोलना था, अंजना मैम बोले प्लीज, आप जो बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं, अभी जो सर बोले, शरण सर बोले, मतलब जब से बोले कि प्रॉपर आपको जो है किसी का गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर गुरु मिले, गुरु क्या उसमें ही अगर आप मैम बार बार परेशान। हाँ अभी हो गया मैम। हाँ सर मैं बोले मैं ये बता रही हूँ, हाँ मैं ये बता रही हूँ कि ये सर ने, आदित्य सर डॉक्टर साहब है, आदित्य सर हेलो, ये मंत्र चिकित्सा के बारे में जैसे बताए हैं तो ये बिल्कुल अलग विधा है, अलग विधा है, और ये एक ऐसे गुरु के साथ किया जाता है और ये तपस्या के थ्रू किया जाता है, और इसमें बहुत ऊर्जा निकलती है जिसको की धारण करने के लिए आप में शुचिता शुद्धता और वो सारी योग्यताएं आप में होनी चाहिए। वो नहीं होता है तो इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इन सब चीजों में आज के असमय जो समय की परिस्थितियां हैं ऐसे देश अनुकूल और उसके अनुसार हमारी जो व्यवहारिकता है वो अभी परफेक्ट नहीं है, और किसी एक गुरु के पास सालों साल रहने के बाद, कई साल, बीसों साल, पच्चीसों साल रहने के बाद ये सारी चीजें हमको मिलती है, तो वो चीज अभी है नहीं। और इसके लिए हमें ये इस तरह से सोचना भी नहीं चाहिए, इसमें गायत्री और महामृत्युंजय के मंत्र का संपूर्ण दे करके बीच मंत्र दिया गया है, जरा सा भी मात्रा इधर भी उधर भी होती है या हमारी साधना में थोड़ी सी भी व्यवधान होता है, शारीरिक मानसिक और कार्मिक तौर पर यदि हम शुद्ध नहीं होते हैं तो इसका दुष्परिणाम प्रत्यक्ष मिलता है। तो इन सब चीजों में क्यों जाएं? सिर्फ एक राम नाम जब से ही हमारा काम बन जाता है तो हम क्यों जाएं इतने सारे उसमें? तो इसमें ही रहें और आनंदित रहें, खुश रहें, और इतने ज्यादा उसमें न जाएं क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, हर एक के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जो पांडित्य कर रहा है वो उसको करे, ये इसको कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, अरे तो कर रहे हैं, जो सर्जरी कर रहे हैं सर्जरी कर रहे हैं, सब में जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर पता चला कि हमें भी क्षिप्त हो गए। तो इतना सोचना ही नहीं है। और एक जो शाश्वत जप है, नाम है, नाम जप बहुत है आज के कलयुग में, बहुत है इतना जप लिए थोड़ा, तो इसके लिए मन वाणी अंतःकरण सबको पवित्र करके और एक साधक के रूप में कई सालों तक तपस्या करके और फिर हमको एक अच्छे सच्चे गुरु के सानिध्य में आकर के तब इसको सीखना पड़ता है, जो कि अभी भक्ति दुनिया में पॉसिबल नहीं है सर, जो इस एज में और इस टाइम पर हम हैं, यही बताना था मैं। जी मैम, थैंक यू मैम। तो अभी अंजना मैम सेशन को बंद किया जाए, क्या दे सर अभी कुछ बोलना चाहते हैं आप? टाइम तो हो गया मैम अपना साढ़े नौ, अंजना मैम फिर बंद कीजिए। हाँ कल बात करते, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है मैम, ओके मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट एवरीवन।